लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जहां सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को 2 लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। झामुमो ने दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। दुमका सीट शिबू सोरेन और उनके परिवार के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, लेकिन पारिवारिक कलह ने पार्टी में बिखराव की स्थिति बन चुकी है और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन अब भाजपा के पाले में हैं। दरअसल कयास लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन जेल से ही दुमका से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब हेमंत सोरेन की बजाय दुमका से नलिन सोरेन चुनाव लड़ेंगे। JMM के दोनों ही प्रत्याशी मौजूदा दौर के विधायक हैं। नलिन सोरेन दुमका जिले के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के JMM विधायक हैं, जबकि मथुरा प्रसाद महतो धनबाद जिले के टुंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बता दें कि BJP लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है। राजद और कांग्रेस भी लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। लोहरदगा से जहां सुखदेव भगत उम्मीदवार हैं, वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी हैं। हजारीबाग से कांग्रेस ने JP पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। BJP से सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगी, वहीं भाकपा माले ने कोडरमा से विनोद कुमार सिंह को उतारा है।